गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी बेसिक केमिस्ट्री सेकेंड लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर्ड, कलरलेस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलेवेंथ क्लास के लिए भी, ट्वेल्थ क्लास के लिए भी, मेडिकल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन फिक्स हैं यहाँ से, आईटी मेन आईटी एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें लेक्चर वन मैंने कंप्लीट कर दिया। लेक्चर वन में आज हम लोग डिस्कस किए और सब ऑर्बिट एस पी डी एंड एफ, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आप रख सकते हैं, और हुंस रूल, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल रूल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक 1 to 30, जिसमें मैंने 21 to 30 यहां बोर्ड पे फिर से नोट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें डिस्कस करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर आयन। आज हम लोग इसके रिजल्ट को फाइनल करेंगे ताकि आप 100 क्वेश्चन बना पाए। सो नेक्स्ट 5 पॉइंट आप नोट करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इन आयन, इन एन आयन और कंपाउंड, नोट करेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आयन या कंपाउंड, नोट करिए। तो नेक्स्ट मैं समझाऊंगा और बाकी आप 10 एग्जांपल आप करेंगे। चलिए मैं इसको बिठा रहा हूं, वो रहेगा, उसका हेल्प आप ले सकते हैं। स्टार्ट करिए, देखिएगा, आप देखेंगे, पहले आप समझेंगे। मान लीजिए इसमें से मैंगनीज मैंने ले लिया, मैंगनीज जो है वो 25 है और आप आर्गन और ऐसे पढ़ रहे हैं आप 4s2 और 3d5, यह है मैंगनीज। कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लेकर देख सकते हैं। तो जैसे मैंगनीज मैंने लिया और आप जानते हैं कि 4s2 पूरा फुल है, 4s2 ऐसे भरा हुआ है, 3d5 ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, आप टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, आपके पास है 5। ये तो पढ़ा हुआ आपका। अब इसका आयन हमें स्टडी करना है, इसका कंपाउंड हमें स्टडी करना है, उसमें सीखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सीखते हैं आयन का मतलब, पहले समझेंगे। मान लीजिए कोई भी मेटल है, अगर कोई मेटल मैं लिख रहा हूं और अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करूंगा तो इसके बॉडी पे ऐसे चार्ज आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज अगर आया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैं आपको मैंगनीज कर दूंगा, मैंगनीज ऐसे प्लस टू कर दूं, तो आपको तुरंत रीडिंग करना सीखना है। आप तुरंत देखते बोलेंगे ओह इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम, ठीक है, द मैंगनीज। मैंगनीज के कहां से वो मैं बताता हूं। पहले 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा, तुरंत आप बोलेंगे कि ओह इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम From. उसके बाद आप देखना है नेक्स्ट लाइन सीखना है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट। ये एक छोटा सा लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि मैंगनीज प्लस टू का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कि अगर 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो रहा है, तो 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट ऑर्बिट। लास्ट कौन, नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में 1, 2, 3, 4 देखेंगे, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 4s,
फोर्थ ऑर्बिट, जैसे मैंगनीज, अगर मैंगनीज को मैं ऐसे बनाऊं कि मैंगनीज के पास ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट, ये फोर्थ हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट हुआ, इसी फोर्थ ऑर्बिट में 4s2 है, तो ये ध्यान रखना है, टू इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट का मतलब 4s2 ऑफ मैंगनीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, टू पॉजिटिव चार्ज, क्लियर सा पता है आपको कि टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, कहां से निकालना है भाई, तो लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट ये नहीं है, कई लोग 3D बोलते हैं, 3D है लास्ट, नो नो नो, 3D नहीं है, नंबर सिस्टम पे चलना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये है फोर्थ ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये 3 पे है, थर्ड ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट ये है, 4s से निकाल दीजिए, देखिए बस यही साइंस है, यही छोटा सा आयन के लिए सीखना है, जैसे ही टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये हुआ आर्गन और ये हो गया 4s0 और 3d5, अभी भी आपका अनपेयर जो है 5 है, अभी और सीखेंगे, एक मैं खूब अच्छे से सिखाऊंगा, बाकी आपसे मैं पूछूंगा, और ये क्लास रहता तो आपका हाथ पकड़ पकड़ के बनवाता, आपके पास खड़ा होकर बनवाता, तो क्लास नहीं है इसलिए आपको घर पे खूब प्रैक्टिस करना है, मैं दूंगा तुरंत आपको बनाना है, अभी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी 5। एक बार फिर से मैंगनीज जानते हैं, आप क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर मैंगनीज के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत समझना है कि इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना, तो यहां जैसे ही Mn+2 है, समझ जाना है कि ओ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, ये चीज बार बार ध्यान रखना है कि लास्ट ऑर्बिट, लास्ट मैथमेटिकली नंबर 4s लास्ट है, लास्ट ऑर्बिट हम मैंगनीज, मैंगनीज के लास्ट ऑर्बिट से निकालना, और लास्ट जब यहां से निकालेंगे आप यहां पे मार्क कर देंगे कि ये है लास्ट, लास्ट ये कहलाता है, यहां से आप निकालेंगे तो 3d5, 4s0 यहां तो कुछ है नहीं, और 5 का ड्राइंग करेंगे, ऐसा हो जाएगा, अगेन वेट 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 प्लीज वेट, मैंगनीज 1 2 3, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, लास्ट में तो 2 ही है, लास्ट में तो 2 ही है, चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, आर्गन लिख लिए और 2 यहां से निकाल दीजिए, 4s0, एक और निकालना है, 3 3 3, यहां लिखेंगे Mn+3, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, तो यहां से 2 निकालेंगे, अभी एक और बचा है, एक और निकालना है, 3 निकालना है, 3, 2 यहां से, 1 यहां से निकाल दीजिए, अब ये निकल गया तो लास्ट, तो इसके बाद लास्ट तो ये बचा, सो 3d4 ड्रॉइंग कर लेंगे, आप d बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे d, 1 2 3 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, अब आप नोट करेंगे, मैं कंपाउंड सिखाऊंगा, अभी कंपाउंड सिखाता हूं, तो देखिए एटम है, एटम से आयन बनाना, कोई भी आयन बनाना, इसके बाद मैं कंपाउंड बनाना सिखाता हूं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, एकदम नेक्स्ट मैं सिखाता हूं आपको कंपाउंड, सो एटम हो गया, आयन हो गया और कंपाउंड, कंपाउंड के लिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका हेल्प लेना पड़ेगा, चलिए वो मैंने आपको खूब सिखा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारा मैंने आपको बता दिया, मैं इसको बिठा रहा हूं, तो एक बार मैं आपको हेल्प कर दूं कि मैंगनीज +2 आपने बताया था, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5,
आपको ऐसे एकदम तेज करना है। मैंगनीज है, मैंगनीज आपका प्लस थ्री रहा, अगर प्लस थ्री तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर आपने किया था। नाउ एग्जाम में ये नहीं, इसकी जगह कंपाउंड आ जाएगा। जैसे कंपाउंड में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया MnCl2 ऐसे, इसमें मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उसी से मैं पता करूंगा कि ये कलर्ड है, कलरलेस है, पारामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। बड़ा आसान, आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया था कि वो साइंस में बहुत जरूरत पड़ेगा, वो आप कंप्लीट कर लें, लेक्चर वन फाइनल कर लें आप। सो क्लोरीन ध्यान रखेंगे, क्लोरीन आप जानते हैं क्लोरीन माइनस वन होता है जनरली हम लोग लेते हैं, तो मैंगनीज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स लेना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू और माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू। तो इससे आपको पता चला कि मैंगनीज का इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, और अगर मैंगनीज प्लस टू है तो आप जानते हैं कि इसमें अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो है आपका फाइव। ये देखिए कंपाउंड हुआ, फिर से मान लीजिए आपके पास कंपाउंड हो और कंपाउंड Mn2O3 रहेगा, आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके लिए हेल्प लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है जनरली माइनस टू जो आप पढ़ चुके हैं, मदद लेंगे माइनस टू का, और आप यहां पे लिखेंगे टू और इनटू एक्स प्लस यहां थ्री ऑक्सीजन माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख दिया आपने। नाउ यहां पे आप सॉल्व करेंगे x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, नाउ प्लस थ्री आएगा। आप मैंगनीज के यहां पे देखेंगे चार्ज प्लस थ्री आ गया, और जब मैंगनीज प्लस थ्री है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इसका फोर, ठीक। नेक्स्ट मान लीजिए कुछ नया कंपाउंड दे दिया मैंने आपको दे दिया MnO2 दे दिया, सो ऐसे ठीक है। ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन माइनस टू है, ऐसे ही अगर आप जोड़ रहे हैं तो मैंगनीज पे चार्ज जो हो जाएगा वो प्लस फोर, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज प्लस फोर, ये सामने मैंगनीज है, इसमें से फोर इलेक्ट्रॉन निकालना है। रूल है लास्ट से निकालना है, लास्ट का मतलब फोर है, सबसे पहले टू यहां से निकालेंगे, ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है थ्री, इतना आपको तेज बनना है, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं आप इससे भी तेज रहेंगे, ये तो कुछ नहीं है आपके लिए। सो आप यहां पे लिखेंगे कि मैंगनीज प्लस फोर का मतलब हुआ आर्गन, और यहां पे है 4s0 और 3d, देखिए फोर निकालना है, टू यहां से निकालेंगे और 3d3, यस ओके, फोर निकालना है ना, फोर तो फोर टू यहां से निकालेंगे और टू यहां से निकालेंगे तो 3d3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। अब बार बार ड्रॉइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप कितनी बार ड्राइंग करेंगे, आप ऐसे आपके पास फाइव बॉक्स है और थ्री, वन टू थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। सो एटम था, ये एटम हुआ, एटम से बनाना है इनका आयन, आयन से बना सकते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए हेल्प लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट का। सो एक्स टू और माइनस टू इक्वल टू जीरो, बड़ा आसान टॉपिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी प्रैक्टिस करेंगे, मैंगनीज में ही कई आप बनाएंगे, बस प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, वो सामने लिखा हुआ है उसका हेल्प लेंगे। मैं हटाऊं इसको, क्या आपने इसको भी लिख लिया, मैं हटाऊं, अभी मैंगनीज में जो मैं पूछूंगा आप बताते रहिएगा। चारों कंपाउंड में हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बहुत जल्दी चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए कि ये 40 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड बस इस पे टाइम, 10 सेकंड इस पे, 10 सेकंड इस पे, 10 सेकंड इस पे, 40 सेकंड में मुझे सबके नीचे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मुझे चाहिए
40 सेकंड में, 10 सेकंड, 10 सेकंड इसके लिए काफी है, 10 सेकंड इसके लिए काफी है, 10 सेकंड यहां काफी है और 10 सेकंड यहां काफी है। और वो रिजल्ट सामने पड़ा हुआ है, एग्जाम में रिजल्ट भी नहीं रहेगा, आपको सब कुछ तुरंत करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट, यू नो सल्फेट चार्ज फिक्स होता है, ये फिक्स चार्ज है। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स कर रहे हैं, सल्फेट हो गया यहाँ पे -2, मस्ट बी इक्वल टू 0, एक्स मस्ट बी इक्वल टू +2। सो मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट +2, अगर ये रहेगा तो इसका वैल्यू 5 है। अभी पढ़े थे या आप देख के यहाँ एक सेकंड में बना सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 5 ये हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हैं जनरली -2 लेते हैं, और ये जोड़ना भी मन में करिए, ये जो जोड़ना है कि 2x प्लस 5 -2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +5, ये मन में ब्रेन के अंदर 40 सेकेंड ही टाइम है आपके पास। सो एक के लिए 10 सेकेंड, तो बस ऐसे देखना है मैंगनीज +5, ये यहां पे तुरंत जाएंगे, 5 निकालना है, 2 यहां से निकाल देंगे, 2 यहां से और 3 यहां से, 5 निकालना है, 2 यहां से 3 यहां से, 1 2 3 निकालेंगे तो सिर्फ 2 बच गया आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। इधर देखेंगे पोटेशियम फिक्स है +1, ऑक्सीजन जनरली होता है -2, अगर आप यहां जोड़ेंगे भी तो ऐसे 1 प्लस मैंगनीज, मैंगनीज का हो गया एक्स प्लस 4 -2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यहां से आप मैंगनीज करेंगे तो मैंगनीज हो गया +7 मैंगनीज से 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो भी लास्ट से, तो 2 यहां से निकल जाएगा और 5 यहां से निकलेगा, 2 एंड +5 7 पूरा बाहर निकल जाएगा और ये तो बन गया आर्गन की तरह अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। K2 4, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मन में सोचेंगे 2 1, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट आप अपने स्पीड को चेक कर लेंगे कि आपको 10 सेकेंड में कंप्लीट करना है और कर लेंगे, कर लेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, 10 घंटे स्टार्टिंग में पढ़िए, बाद में 12 घंटे, एक साल बाद 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो हो जाएगा, बड़ा आसान है चीज़ें और बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो साइंस स्टार्ट हुआ है, आगे आप देखेंगे बहुत बहुत मतलब एकदम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेगा, बट इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है, पढ़ना बस पड़ता है, इंजॉय करिए, जस्ट 10 घंटे पढ़िए, होमवर्क खूब मिलेगा, लॉकडाउन खुलने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कितना होमवर्क, कितना टेस्ट, कितना सारा आपको वर्क मिलना शुरू होगा। सो ये है 8 किया और इधर से एक्स, एक्स इधर से चला गया +6, इस तरह मैंगनीज हो गया +6 और मैंगनीज +6 बताएंगे जल्दी से, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 यहाँ से निकालिए, 4 यहाँ से निकाल दीजिए और ये हो गया n इक्वल टू 1। पर एक काम आपको करना है 10 सेकंड में, 10 सेकंड का काम है और ये आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 कर दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 कर दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 हुआ, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। अच्छा, इसके हेल्प से मैं साइंस में बहुत चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत चीज़ें सिखाना है मुझे, बस एक थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं आपको। ये मैंने, मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, फ्रिज से निकाला है मैंने, फ्रिज पे बहुत सारा मैग्नेट जो होता है वो जस्ट पेस्ट किया रहता है, मैं बहुत ज़्यादा टूर करता हूँ, टूर एंड ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस, पूरा वर्ल्ड का एक एक कंट्री मैंने घूम रखा है, जो मेरे नाम पे जो यूट्यूब चैनल है, वही ऐप है, वही फेसबुक का भी है मेरा, आप फेसबुक पे सर्च करोगे हर कंट्री का सारा मिल जाएगा, वीडियो नहीं ज़्यादा मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो जितना सारा कंट्री जितना मैं घूमता हूँ सब मेरा फ्रिज पूरा भरा रहता है मैग्नेट्स, हर जगह से गिफ्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं और पूरा मैग्नेट भरा रहेगा। तो ये भी मैग्नेट है और मैग्नेट जो फ्रिज का मैग्नेट आपके घर पे भी होगा। सो जस्ट मैग्नेट मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अब ये मैग्नेट मैंने लिया, ठीक है, 4 कंपाउंड, 1 2 3 4 कंपाउंड हुआ, ठीक है। अब इन चारों कंपाउंड को, ये जो मैग्नेट है मेरे हाथ में, वो मैग्नेट को लेके जाऊंगा, 1 2 3 4 चारों को मैग्नेट दिखाऊंगा,
ये जो है ना, ये कंपाउंड है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, वो मैग्नेट को देखेगा, इस मैग्नेट को देख के दूर भाग जाएगा। ये जैसे इसको मैं दिखाऊंगा KMnO4 का ऐसे मैग्नेट दिखाऊंगा, तो मैग्नेट दिखाऊंगा तो ये KMnO4 मैग्नेट को जैसे ही मैं दिखाऊंगा दूर भाग जाएगा। इसको बोलते हैं डाइमैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट मेरे हाथ में है, जैसे KMnO4 को दिखाऊंगा अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, वो दूर भागेगा, खूब दूर भागेगा। ठीक है, इनको दिखाऊंगा, इन सबको, इसको दिखाऊंगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं 5 5, इसको जैसे ऐसे दिखाऊंगा ऐसे ये फट से चिपक जाएगा, बहुत तेज चिपकेगा, फट से बहुत तेज, इसका स्ट्रांग अट्रैक्शन बोलते हैं, मैक्सिमम पारा मैग्नेटिक नेचर, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा मैग्नेट हाथ में है, इसको मैं ऐसे दूर से भी दिखाऊंगा फट से चिपक जाएगा इस पर, और इसको जब दिखाऊंगा KMnO4 को ऐसे मैग्नेट दिखाऊंगा तो ये देख के मैग्नेट भाग जाएगा, दूर भागेगा। जो दूर भागता है उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, जो पास आ गया वो पैरामैग्नेटिक कहलाया। तो ये है पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, इसको भी दिखाएंगे तो जस्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत स्ट्रांग नहीं, सबसे स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा इसका, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, खूब अट्रैक्शन होगा, फट से यहां पे खींच लेगा, ये दूर जाएगा, ये खूब दूर, ये मैग्नेट को देखते ही दूर भागता है। तो इसको पारा एंड डायमैग्नेटिक मैं डिफाइन कर दूंगा, बट अभी आप पहले 1 2 30 ये क्लियर करिए, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लियर करेंगे आप पहले, कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। इनके एटम से डिफाइन करना है इनका आयन, और आयन के बाद बनाना है कंपाउंड। ये हाथ में मैग्नेट है, और मैग्नेट से आपको सीखना है कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ वो सब पैरामैग्नेटिक हो गया, जो मैग्नेट से रिपेल हुआ वो है डायमैग्नेटिक। जैसे यहां से भी आप सीख सकते हैं, ये देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 6 और 5 4 3 2 1, एंड ये क्या है, जिंक, जिंक अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। मेरे हाथ में जो पेन है, ये पेन, पेन का जो ये पोर्शन हुआ आपका, ये जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं पेन का, ये जिंक, जिंक, जिंक का पेन है। मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं वो जिंक का पेन है। अब जिंक को इससे सटा रहा हूं, नहीं सटेगा, सटेगा नहीं, देखो अब मैग्नेट इससे गिर जाएगा, मैग्नेट ऐसे गिर जा रहा है। ठीक है, जिंक जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 के चलते डाई मैग्नेटिक जिंक, ये जिंक है। पेन जो बना हुआ है, ये पेन का जो आप सिलेंड्रिकल पोर्शन देख रहे हैं, जिंक है, पेंटेड रहता है ये यूज, ऐसे ये ओरिजिनल पेंट ये है, बट पेंट हट गया यहाँ से, यहाँ से पेंट जस्ट यूज करते करते हट गया। ये जिंक का कंटेनर है, सिलेंडर है, जिंक है डाइमैग्नेटिक। मैंने इसको मैग्नेट को दिखाया, जस्ट नहीं, मैग्नेट तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, और मेरे टेबल पे क्वाइन है, ये क्वाइन है, देखिए मैग्नेट पकड़ लिया, तो क्वाइन हुआ आयरन, आयरन हो गया, आयरन पैरामैग्नेटिक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 देख रहे हैं, जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है पैरामैग्नेटिक को पकड़ लिया, आयरन कैसे भी रखा मैंने, आयरन को फट से पकड़ लिया ऐसे, ये स्टेनलेस स्टील है, आयरन का थोड़ा सा पार्ट है, फिर भी ये पकड़ लेता है, वो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट किया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और जिंक, जिंक देखेंगे, ये पेन मेरा कैप जिंक है, पूरा पेन का सिलेंडर जिंक है, आप इसको छोड़ेंगे भी तो गिर जाएगा, नहीं पकड़ेगा इसको, डाइमैग्नेटिक। ये पारा डाई कलर कलरलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही सब कुछ बनाना है। आप नोट करेंगे, मैंने अब सिखा दिया, मैंने सिखा दिया, अब मैं आपसे पूछूंगा। वही क्लास में रहता तो एक एक हाथ पकड़ पकड़ के बनवाता, मैं एक एक लोग को खड़ा करता, एक एक लोग से क्वेश्चन पूछता। तो नहीं है क्लास में, नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं अभी देता हूँ, आप नोट करेंगे, मैं भी समझाऊंगा, मैं पूरा डिफाइन करूंगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कलर्ड कलरलेस सब मैं बताऊंगा। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए। सो 4 हुआ, 5 हो गया, 6। आप यहां से कोई भी जो आपको मन करे वो कोई भी एक मेटल फिर से उठा लेंगे और उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। जैसे आयरन मैंने ले लिया, आयरन भी काफ़ी यूज करते हैं हम लोग, और यहां पे हुआ आर्गन, और ये हुआ आपका 4s2 3d6। आप मन में इमेज बनाना सीखिए, 4s2 तो कंप्लीट हो गया, और 3d6 आप मन में ही आप सोचा करेंगे कि डी में 5 बॉक्स है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने का ये मेथड था,
आप देख रहे हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे मैं 4 कोऑर्डिनेट बना दे रहा हूँ और मुझे चाहिए आपसे कुछ आंसर। जैसे मुझे चाहिए कि फेरस, अगर मैं फेरस कर दूँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप कुछ सेकेंड में बना लें तो बेस्ट है, 10 सेकेंड आप टाइम देंगे इस पर। मुझे चाहिए था फेरिक, यह है अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। मुझे फेरिक चाहिए जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए था। मुझे चाहिए था Fe2O3, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मुझे चाहिए था FeSO4। अगर आप कुछ सेकंड में कंप्लीट कर लें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये है PMT के लिए और बहुत तेज करना है। और कई स्टूडेंट मेरे क्लास में बैठते हैं तो ऐसे देख के बोलते हैं कि सर इसका तो होगा 4 और इसका तो होगा 5, इसका होगा 5 और इसका होगा 4। वो 10 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में लोग बनाते हैं। आपको भी वैसे ही करना है, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको उससे भी तेज करना है आपको। चलिए अब चेक करते हैं कैसे हुआ। आयरन +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट। आप जानते हैं आप इस फिगर का, ये है लास्ट, ये लास्ट जो है वो 3D नहीं होता है, ये 4S होता है। अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे श्योर ये बन जाएगा आर्गन, आर्गन हो जाएगा। और यहाँ पे 4S0, ये 4S0 इसको हटा भी सकते हैं, 4S0 और 3D6 रख सकते हैं। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन स्टिल अभी भी 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 ही रहेगा। 3D6 का मतलब ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग फिगर पढ़ते हैं और Rn3, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो आपका जो फिगर बनेगा वो हो गया आर्गन और यहां पे हो गया 4s0 3d5। बार बार ड्राइंग नहीं करना आपको, आप बस मन में इसका क्यों नहीं इमेज आप बनाते हैं कि 3d5 है तो 5 बॉक्स हुआ और सिंगल 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 ऐसे, और इस तरह अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया आपका। नाउ यहाँ पे Fe2O3, सो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2-, ऑक्सीजन जो होता है 2-, हुआ। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बनाऊं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 2x प्लस, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 3 और -2 इक्वल टू 0, सो यहाँ 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू जो हो गया वो +3। सो आयरन जो बना यहाँ पे, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया ऐसे। सो ऑक्सीडेशन नंबर जो आप टॉपिक पढ़े हुए हैं उससे आपको डायरेक्ट करना है, देख के बस बनाना है कि +3 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन श्योर 5 हो गया, क्योंकि आयरन जब +3 है तो आपने बनाया है कि आयरन +3, इसमें हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 इस तरह से। और FeSO4 में आप जानते हैं कि सल्फेट जो होता है वो SO4 2- होता है। सो आप आयंस में भी ब्रेक कर सकते हैं या आप अलग अलग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आयरन जरूर +2 होगा क्योंकि ये सल्फेट है SO4 2-, और आयरन जब +2 है, आयरन +2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 देखिए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 था। तो ये कुछ सेकंड में बहुत आप तेज बनेंगे, बहुत फास्ट रहेंगे, तो 1 सेकंड ऐसे बनाना और प्रैक्टिस करेंगे। कॉपर ले लेंगे, जैसे कोई भी आप किसी को भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में मैं मिक्स कर देता हूं, तुरंत एक दो और कर लें आप, फिर मैं मिक्सिंग सिखाता हूं आपको। कॉपर है 29 हुआ और यहां से आप सीख रहे हैं कि आर्गन, और यहां है 4s1 और 3d10 और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1, वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां का, ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो फुल है, ये तो पूरा आपको 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे कंप्लीटली फुलफिल्ड है।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। देखिए ये फुल स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से, बहुत फास्ट स्टूडेंट हैं तो जस्ट कुछ सेकंड में आप करेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन सब में चाहिए, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हेल्प में मैं बता दूंगा कि फ्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, फिक्स है, क्लोरीन पे भी चार्ज -1 होता है जनरली। जनरली ये फ्लोरीन तो फिक्स है बट क्लोरीन मोस्ट कॉमन। अब बनाया जाए, देखिए अगर बहुत फास्ट है बहुत तेज है तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 0, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। अगर बहुत तेज है आप ऐसे बस देख के बनाते हैं तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ 1 और ऐसे 0। कैसे हुआ तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और लास्ट से, प्लस चार्ज का मतलब होता है लास्ट से इलेक्ट्रॉन हटाना है, और लास्ट तो ये है, जब जैसे यहाँ से हटाएंगे 4s1 ये हट जाएगा, 4s1 ये तो फुल पैक रह जाएगा, तो अनपेड कोई तो है ही नहीं यहाँ पे। सो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका तो इसका मतलब हुआ आर्गन, और ये हुआ 4s0 और 3d10 पूरा फुल, 3d10 पूरा भरा हुआ, ये एक था वो तो हट चुका है। यहाँ जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और लास्ट से निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे और एक यहाँ से निकालेंगे, सो यहाँ 3d9 हो जाएगा। आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे आर्गन और 4s0 और 3d9। 3d9 का अगर आप बॉक्स बना रहे हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस सिखा रहा हूँ, इसलिए आप मन में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि 9 का मतलब हुआ सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल 1 2 3 4, 9 का मतलब 1 हो गया। CO2F2 अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे 2 × x, फ्लोरीन 2 और -1 मस्ट बी इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 2, x का मतलब हुआ +1, मतलब कॉपर पे चार्ज हुआ +1, और कॉपर जब चार्ज +1 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ऐसे ही यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे x लिखेंगे और 2 क्लोरीन -1 चार्ज 0, x का वैल्यू 2 हुआ, सो कॉपर पे चार्ज +2 हो गया, और जब कॉपर पे चार्ज +2 हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। ये है, कोई भी कंपाउंड का आप आयन या कंपाउंड बना सकते हैं। अब मिक्स करें हम लोग 7 8, ये इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाइए, आपको 2 क्वेश्चन मेडिकल में गारंटेड है, तो एकदम फिक्स आएगा, जुलाई में एग्जाम होगा, मैं दिखा दूंगा आपको, आप सीख जाएं, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, एम्स का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का, मेन का, उससे बाहर नहीं आएगा, और 100 क्वेश्चन भी तो है होमवर्क के लिए आपके। आप लिखें, आप अगर लिख लिए हैं तो मैं नेक्स्ट मिक्स करके देता हूँ, आप कोई एक पैटर्न से नहीं दूंगा, कोई भी इसमें से मिक्स कर दूंगा, आप नोट करिए। सो नेक्स्ट पॉइंट 7 8, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं उसमें। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में 8 अनपेयर्ड पे खूब प्रैक्टिस कर लें, आप क्वेश्चन अनपेयर्ड के हेल्प से ही सब कुछ बना सकते हैं। देखिए कोई भी मैं एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया VOSO4 ले लिया, Cr2O3 ले लिया मैंने, कोई यहाँ पे NiCl3 ले लिया, पैलेडियम कर लिया, चलिए सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन।
अनपेड निकालेंगे, उसी के हेल्प से आप पारा, डाई, कलर्ड, कलरलेस बना सकते हैं। तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन कोशिश करिए कि कुछ सेकंड में, 10 सेकंड का ये है, 10 सेकंड ये, 10 सेकंड ये, 10 सेकंड ये, आपका मैं हेल्प करूँगा। सो हेल्प मैं इसमें ये करूँगा कि ऑक्साइड होता है 2- और सल्फेट, सल्फेट होता है ये भी 2-। तो अगर आप वैनेडियम को आप देखेंगे तो वैनेडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कर लेंगे एक्स। ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब हुआ -2, और ये पूरा सल्फेट है, सल्फेट का मतलब हुआ -2 इक्वल टू 0। सो एक्स का वैल्यू हो गया +4, एक्स का वैल्यू 4 हो गया, मतलब वैनेडियम हो गया +4 ऐसे। अब मन में सोचिए, मन में सोचिए, यहाँ पे सामने सब कुछ है, एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करके एकदम कंप्लीट कर लेना है। अगर वैनेडियम है और इसमें अगर +3 कर दूँ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालूँ यहाँ से, सॉरी +4 है, +4 है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले 2 यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेगा, बन जाएगा 3D1। 3D1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेड 1। सो ये मन में आपको सोचना है कि वैनेडियम +4, वैनेडियम +4 का मतलब हुआ आर्गन, और यहाँ पे 3D1 हुआ ऐसे, ये खुद सोचना है आपको। वो सामने आपको 1 to 30 या 21 to 30 मैंने लिखा हुआ है, उसके हेल्प से बनाना है और मन में सोच लेना है। नाउ ये क्रोमियम इसमें 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, सो ऐसे देख देख ऐसे फिंगर पिक करना है। अगेन ऑक्साइड, आप जानते हैं कि ऑक्साइड 2- है, अगर आप लेक्चर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर कर लें तो एकदम आसान है, क्रोमियम यहाँ आपका +3 हो जाएगा, और क्रोमियम +3 जब करेंगे आप तो आर्गन, क्रोमियम यहाँ है, एक 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो जब 2 निकालेंगे यहाँ पे तो 3D3 बन जाएगा, आर्गन और 3D3, सिंगल सिंगल पैरल पैरल में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगी। ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार आप पढ़ चुके हैं, 30 टाइम तो ड्राइंग वहाँ किए हैं, 10 बार यहाँ कर चुके हैं, डायरेक्ट करेंगे आप। क्लोरीन, क्लोरीन -1 होता है, और आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बनाएंगे तो इसको x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3, क्लोरीन -1 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू हो गया +3, निकिल +3 हो गया। अब यहाँ से सोचिए, ये निकिल है और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3D7 हो जाएगा आर्गन और 3D7 का मीनिंग आप जानते हैं, ऐसे आप 5 बॉक्स बना लेंगे। लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बस एक क्लास है, इसमें मुझे सिखाना है आपको, इसलिए मैं बार बार बनाते रहता हूँ। सो 7, एन का वैल्यू 3 हो गया, 7 करेंगे, 1, 2, 3। पैलेडियम ये तो नहीं है, ये तो 30 के बीच में है ही नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप पीरियोडिक टेबल पूरा याद कर जाइए ना, कोडिंग मैंने दिया है आपको, एग्जाम में बोला गया है कि हाँ 30 तक मुझे पढ़ना है, बट एग्जाम में 30 से आ गया जाता है। सो पैलेडियम देखिए, अगर कोई ग्रुप नहीं पता है इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता है कि पैलेडियम का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, बट उसका फैमिली पता है। फैमिली ये है कि ये एक साथ रहते हैं, साइंस में जो पीरियोडिक टेबल में निकल है और उसके नीचे पैलेडियम है और इसके नीचे प्लेटिनम है, तीनों फैमिली एक साथ है, एक साथ तीनों, एक ऊपर रहेगा, बीच में रहेगा, तीसरा नीचे रहेगा। और आप 10th क्लास में पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप के सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी नियरली सेम होता है। निकल आप जानते हैं, निकल अगर इसमें से Ni अगर हम लोग +2 कर लेंगे तो ये जानते हैं आप, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये आप जानते हैं कि निकल +2 यहाँ है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आर्गन हो गया और 3D8, और इसका अगर ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने पे N का वैल्यू 2 आएगा। अगर निकल के +2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो पैलेडियम के +2 में भी, क्योंकि एक ही फैमिली है, निकल और पैलेडियम एक ही फैमिली है, तो एक फैमिली के मेंबर का प्रॉपर्टी एक जैसा, तो अगर इसमें 2 अनपेयर्ड है तो श्योर इसमें भी अनपेयर्ड 2 होगा। ये हेल्प मिलेगा जब आप पीरियोडिक टेबल पता हो आपको, कोई एलिमेंट के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, तो उससे आप पहचान लेंगे। एक बार फिर से नोट कर लिया आपने, नोट कर लेंगे,
बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे भी तेज तेज चलते रहते हैं, तो वैसे ही करना आपको, आपको इस पर 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। मेडिकल का क्वेश्चन 50 सेकेंड का होता है, तो उतना ही टाइम देना है और हो जाएगा, वो आप कर लेंगे। नाइन, नेक्स्ट, कोई भी उसमें से मैं कुछ किसी को भी ले सकता हूं। चलिए, मुझे बस 10 सेकंड चाहिए और अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। थोड़ा मोड़ा मैं हेल्प करूं, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव जनरली ये होता है, क्लोरीन जनरली 1 नेगेटिव हुआ, क्लोरीन और क्या चाहिए, सल्फेट चाहिए, सल्फेट जो होता है SO4 2 माइनस। अब आप जल्दी से वर्क करें और सब में मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जल्दी से नोट करें, बताइए जल्दी से। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बोला करता था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़िए, वो साइंस का एकदम कॉमन चीजें हैं जो रोज यूज होगा बॉन्डिंग में, पीटी में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, बहुत इजी भी तो है, एकदम आसान है। देखिए, बहुत फास्ट स्टूडेंट जो रहते हैं बोलते हैं ओ ये तो जीरो है और यहाँ पे आपका 3 या 4, मैं देख लेता हूँ, कोबाल्ट प्लस 3 3 3 3 3, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। बहुत आप बहुत तेज है तो यहाँ पे देखते बोलेंगे कि 0 है, यहाँ देखते बोलेंगे 0 है, यहाँ देखना है और बोलना है 1 सेकेंड 0 और यहाँ देख के बोलना है 4। ऐसे लोग बोलते हैं इतना जल्दी कैसे हो गया, अरे आप कर लेंगे, आप मुझसे भी तेज करते हैं, आप कर लेंगे। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो हो गया वो +4 और टाइटेनियम हो गया +4। अब देखेंगे टाइटेनियम +4 में कहाँ लिखूँ, मैं ऐसे लिख दूँ टाइटेनियम +4। सो आप चेक करेंगे टाइटेनियम यहाँ पे है और अगर 4 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट, तो 2 यहां से हटाएंगे पूरा 4 हट जाएगा, ये केवल आर्गन बच गया, आर्गन में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। हो गया, ऐसे अब लिखे नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इतना पढ़े हुए हैं, मैं कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप देखेंगे और देख के बोलना है कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट 3, यहां कोबाल्ट है, अगर 3 निकालेंगे 2 यहां से 1 यहां से, 3d6, सो आर्गन और 3d6, 3d6 का मतलब है आपके पास एक बॉक्स है, 5 यहां पे ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड 4। नेक्स्ट, जैसे ही इसको आप ब्रेक करेंगे, आप चाहें तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x कर सकते हैं और सल्फेट, सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कर सकते हैं -2, तो ये इस तरह आपका x का वैल्यू 2 हो गया, +2 हो गया और यहां इसका मतलब हुआ जिंक +2 और जिंक आप देखें, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3d10 बच जाएगा, सो इसका मतलब हुआ आर्गन और 3d10 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। यहां पे यहां लोग बोलते हैं सिल्वर आ गया, कोई बात नहीं है, आने दीजिए। देखिए 2 × x प्लस सल्फेट, आप सल्फेट जानते हैं -2 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू करेंगे +1, सो ये हो गया सिल्वर, सिल्वर +1, ठीक है, x = 1 सिल्वर +1, सिल्वर +1
नहीं पता है मैं हेल्प लूँगा पीरियोडिक टेबल का। आप जानते हैं पीडी में ये एक घर में बैठे हुए हैं, वन बी, वन बी में बैठे हुए हैं कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये साइंस के तीनों करेंसी मेटल होते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड करेंसी क्वाइनिंग मेटल, जो क्वाइन बनता है या मनी का एक्सचेंज होगा कॉपर सिल्वर और गोल्ड के टर्म में। तो ये अगर पता है कि एक घर के मेंबर हैं और हमें सिल्वर प्लस वन में चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं है, आप इसको फॉलो करेंगे। कॉपर प्लस वन तो पता है आपको, कॉपर प्लस वन क्योंकि कॉपर यहाँ है, और अगर प्लस वन करेंगे तो आर्गन और वन यहाँ से हट जाएगा, 3d10 अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो। अगर कॉपर प्लस वन अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो सिल्वर प्लस वन में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। एक फैमिली एक जैसा प्रॉपर्टी, ये आप खूब प्रैक्टिस कर लें, स्पेशली 21 to 30 एटम का, सारा आयन का और कंपाउंड का, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करना है। पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, थ्योरी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी नहीं, अभी तो मैं थ्योरी पहले क्लियर कर लेता हूँ। नोट करिए, नेक्स्ट मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर, कलरलेस के लिए, और आपको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये आपके ऑप्शन ए और बी सी और डी, ये मान लीजिए चार ऑप्शन रहा, ऐसे एग्जाम में चार ऑप्शन रहा। ठीक है, चारों ऑप्शन में जैसे आपको मैंने अभी समझाया था कि मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को जैसे ही इसको दिखाऊंगा, इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये मैग्नेट को देखते ही दूर भागेगा, खूब दूर भागेगा, ये डायमैग्नेटिक हो गया। इसको मैग्नेट को मैंने दिखाया तो मैग्नेट देखते ही ये पास आ जाएगा, ये तुरंत मैग्नेट को देख के अट्रैक्ट, ये पूरा कंपाउंड मैग्नेट से चिपक जाएगा। जो अट्रैक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से, वो पैरामैग्नेटिक हो गया। इसको मैंने जस्ट पकड़ा, ऐसे मैग्नेट दिया और मैग्नेट को देखते ही दूर भागेगा, ये भी मैग्नेट को दिखाइएगा, ये दूर भागेगा, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। सो पैरामैग्नेटिक जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को दिखाऊंगा अट्रैक्ट कर जाए, वो पैरामैग्नेटिक हो गया। जैसे मैंने क्वाइन आपको दिखाया, ये क्वाइन है, आयरन का क्वाइन है, जस्ट मैग्नेट को देखते ही ये अट्रैक्ट कर लिया, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये पैरामैग्नेटिक हुआ। जिंक, ये जिंक है, ये पेन, पेन जो है जिंक, जिंक सिलेंड्रिकल जो ये जस्ट सिलेंडर है, ये आपका जिंक है, जिंक मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको छोड़ूंगा भी, देखिए गिर जाएगा, छोड़ते ही ये गिर जाएगा, ये स्टेबल नहीं है, ऐसे छोड़ा मैंने गिर जाएगा यहाँ पे। तो जिंक देख रहे हैं आपका जिंक, ये जिंक का कंपाउंड जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, या जिंक मेटल भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, वो डायमैग्नेटिक है। यही मुझे डिफाइन करना है और ये कंडीशन लिखना है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, जीरो है, जीरो है, डायमैग्नेटिक, जीरो नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक। वही कंडीशन कलर में भी फिट हो जाएगा। देखिए यहां पे देखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, कलरलेस, कलरलेस, देखिए देखिए आप ये पेन देखें, ये जिंक है, जिंक कलरलेस, कलरलेस हो गया, ये जिंक कलरलेस, पेन कलरलेस हुआ, कोई कलर नहीं है जिंक। सिल्वर, घर में सिल्वर का ज्वेलरी है, वो व्हाइट हो गया, कलरलेस, वो कलरलेस में आएगा, ये कंपाउंड कलरलेस हुआ, ये कलर्ड होगा, कलर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर, कलर्ड, कलर्ड हो जाएगा। तो कलर्ड, कलरलेस, पारा, डायमैग्नेटिक सब इसी से बनता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, उसको भी मैं मिटा दूंगा, आप उसको खूब प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको उसका हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, सो आप, मैं रिजल्ट कर देता हूँ आपसे, जो 100 क्वेश्चन या 110 जो 20 क्वेश्चन होगा वो बनने लगेगा, और मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा ना, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी आप रिजल्ट लिख के आज कम से कम थ्योरी तो फाइनल कर लेते हैं हम लोग। सो 10 पॉइंट, आप यहां नोट करेंगे पैरामैग्नेटिक, इसी को शॉर्ट में पीएम बोलते हैं, ये अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हुआ वो पैरामैग्नेटिक हो गया।
सो मैंने आपको दिखाया ये क्वाइन, जस्ट इससे मैग्नेटिक फील्ड से चिपक गया तो ये पारामैग्नेटिक हो गया, ये आयरन जो है वो पारामैग्नेटिक कहलाएगा। सो पारामैग्नेटिक का मतलब होता है अट्रैक्टेड, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एटम, आयन और कंपाउंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा वो पैरामैग्नेटिक डिफाइन किया जाता है। तो आप नोट करेंगे, मैं ड्राइंग से भी समझाऊंगा। मैं एक ड्राइंग करूंगा जो अभी आपको शायद प्रॉब्लम हो, अभी ना समझ में आए, वो 12th क्लास का ड्राइंग है कि ये तो पता चल रहा है आपको कि कोई भी मैग्नेट को प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक नॉर्थ पोल बनाया है और एक साउथ पोल बनाया है, ये इसके बीच का स्पेस जो हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन मैंने आज स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर 1 में कि ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेंगे और ये स्पेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, इसके बीच का जो स्पेस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जब आप 12th क्लास में आएंगे और वहाँ आपको पढ़ना है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के चलते ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, इसी को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को, अकेला इलेक्ट्रॉन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल जाएगा आपको कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच का स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा के खींच लेगा, इसी को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इसी पैरामैग्नेटिक के चलते ये इससे चिपक गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो आप नोट करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लग गया, फोर्स लगते ही ये पैरामैग्नेटिक हो गया, इसी को साइंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के चलते पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन हो गया फॉर पैरामैग्नेटिक एन, एन को आप लिखेंगे, एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यूपी का मतलब हुआ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये जाके पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेड जीरो नहीं, अगर अनपेड जीरो हो गया तो वो डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये पैरामैग्नेटिक कंडीशन हो गया आपका। सो जितने पैरामैग्नेटिक होते हैं वो सारे कंपाउंड कलर्ड भी होते हैं, जनरली, हमेशा नहीं, कुछ एक्सेप्शन है कलर में, मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर दूंगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये अगर अनपेड नॉट जीरो है तो ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं, कलर्ड, और बगल में जरूर लिखना है इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी, थोड़ा पानी में डालने पे, आप लिख लेंगे, मैं समझा दूंगा इसका मीनिंग ये। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होना चाहिए, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और पैरामैग्नेटिक के साथ साथ वो कलर्ड हो जाएगा, कलर भी होता है, कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डालेंगे तब जाके कलर दिखाता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको एक टर्म डिफाइन करना है फॉर पैरामैग्नेटिक, एक टर्म पढ़ना है, ये भी खूब पेपर में आएगा, म्यू, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू का मतलब होता है अंडर रूट एन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, बीएम अंडर रूट एन
इंटू एन प्लस टू बी एम, बी एम जो है वो यूनिट है, बी फॉर बोर, एम फॉर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन जो है वो यूनिट, म्यू का यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट। सो यहां छोटा सा एक रिजल्ट लिखेंगे कि अगर मैक्सिमम एन है, अगर मैक्सिमम एन अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी मैक्सिमम होगा। पूछा जाता है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, चार ऑप्शन दे देगा और चारों ऑप्शन में देखना है कि जहां एन का वैल्यू ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, उसके सामने मैग्नेट रखिएगा तो फट से खींच लेगा, खूब ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो यह है रिजल्ट पैरामैग्नेटिक के लिए। उल्टा करेंगे, नोट कर लीजिए आप, इसी का उल्टा करेंगे डाइमैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक में यहां एक इलेक्ट्रॉन और रखेंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर गिरा देगा। सो पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे, पैरामैग्नेटिक एटम पे भी लगता है, आयन पे भी होगा, कंपाउंड पे भी होगा, तीनों का मैंने अनपेड समझा दिया आपको। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जो अट्रैक्ट कर लिया वो पैरामैग्नेटिक हो गया। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा और मैग्नेट इसको खींच लेगा, यही खींचने का प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक बन गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है पैरामैग्नेटिक के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए, अगर जीरो नहीं है तो वही कलर बन जाता है। सो पैरामैग्नेटिक और कलर नियरली एक जैसा ही कंडीशन है। सो कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, एन जो है वही अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे बहुत जल्दी मैं आपको बुलाया कि बताइए बताइए जल्दी से, आयरन है, आयरन प्लस टू है, तो आयरन प्लस टू, तो आप जस्ट एक सेकंड में बोलेंगे आयरन प्लस टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो गया फोर, अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर है, और फोर है तो ये श्योर ये पैरामैग्नेटिक है, श्योर ये कलर्ड है, कलर्ड हुआ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं लोग, मैग्नेटिक मोमेंट जल्दी बताइए मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहां जाके पुट करिएगा, बोलिएगा अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो अंडर रूट फोर इंटू फोर सिक्स अंडर रूट 24 ओके बीएम। देखिए तो कितना जल्दी, कुछ सेकंड में फट 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 ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले आयन पकड़िए, आयन का अनपेड इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको सिखाया है उससे आप खोजिए कि ये पैरामैग्नेटिक है, यस पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड भी होगा, कैसा कलर्ड है ये नहीं बता पाइएगा, ये ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, वो उसके लिए अलग साइंस है, वो तो प्रैक्टिस करते करते आप बता देंगे, मुझे जैसे पता है इसका कलर ग्रीन होता है, तो वो साइंस पढ़ते पढ़ते जब बहुत चीजें जान जाएंगे तब आप कैसा कलर है तब बताएंगे, अभी सिर्फ आप कलर्ड और कलरलेस बताना है। हो गया आपका। दूसरा करें डायमैग्नेटिक, आप नोट कर लिए हैं तो जल्दी से यहां पे दूसरा रिजल्ट करेंगे 11 डायमैग्नेटिक। और यहां पे डीएम करेंगे, एटम आयन या कंपाउंड रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक और इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ऐसे रखा जाता है, एक अपवर्ड स्पिन में रखना है, एक डाउनवर्ड स्पिन में रखिएगा, एक पे फोर्स ऊपर लगा, दूसरे पे फोर्स नीचे लगा, ऐसे फोर्स लग गया दूसरे पे, ऐसे एरो बना देंगे, और एक अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह आप लिख देंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, और जब पेयर्ड रखेंगे तो साफ दिख रहा है रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एक अपवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स, ओवरऑल फोर्स क्या हो गया जीरो, और जीरो होने के चलते ग्रेविटी खींच देगा उसको। जैसे ये पेन है, पेन जो है ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, इसको मैंने हटा दिया, और ये जिंक है, ये जिंक है, जिंक ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जिंक को मैंने बोला सटने के लिए, देखिए जिंक नीचे गिर गया, जिंक जो है वो नीचे नीचे कैसे गिरा, ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटी उसको खींच लिया नीचे, इसी को बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक, नीचे गिर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रह पाएगा, ये है पैरामैग्नेटिक। आयरन है, आयरन पैरामैग्नेटिक हो गया,
मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लिया, रोक लिया, और जिंक, ये जिंक जो है जिंक जिंक को रिपेल कर देगा, जिंक रोकने की कोशिश करिए, नहीं रुकेगा, नीचे गिर जाएगा। तो वही डाई मैग्नेटिक है, रिपेल्ड बाई डाई मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ग्रेविटी के चलते नीचे गिरेगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड डाई मैग्नेटिक, चेंज कर लेंगे, ये हटा लेंगे आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो कर लेंगे यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जीरो करेंगे ये रिजल्ट हो जाएगा डाई मैग्नेटिक के लिए, कलर्ड की जगह कलरलेस कर लेंगे, कलरलेस इन एक्वस मीडियम फॉर डाई मैग्नेटिक के लिए। अगर आप डाई मैग्नेटिक पढ़ना चाहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डाई मैग्नेटिक के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। ये सब हटा देंगे आप, कर लीजिए। कोई एग्जांपल आपको लिखना हो तो जल्दी में आप एग्जांपल लिख देंगे, आप बोलेंगे कि जेड एन प्लस प्लस या जेड एन एस फोर करना हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसके चलते ये डाई मैग्नेटिक हुआ, और ये होता है साइंस में कलरलेस। ये पेन मेरे हाथ में है, देख रहे हैं कि ये कलरलेस पेन है, कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। तो कोई एक एग्जांपल लिख करके दिखा देंगे आप। तो इस तरह आप कलर्ड, कलरलेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो बना सकते हैं, नोट करेंगे जल्दी से। तो थ्योरी मेरा कंप्लीट है, एक पॉइंट और मैं छोटा सा डिस्कस करूंगा, एंड थ्योरी फाइनल, लेक्चर टू और लेक्चर थ्री आपको बनाना है, स्टार्ट करना है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। अभी और थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, एक छोटा सा रिजल्ट और मैं डिस्कस कर देता हूं, एंड देन उसके बाद आज का क्लास मेरा कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क आपको रहेगा 100 जो 20 क्वेश्चन है, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, वर्क हो गया इतना, मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। एक छोटा सा रिजल्ट ही है, क्वेश्चन के रिजल्ट छोटा सा रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 12 पॉइंट, और आप बताएंगे 12 पॉइंट में एक छोटा सा क्वेश्चन ही समझिए, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन आयन, तो छोटा सा रिजल्ट, बहुत छोटा सा, मुझे जरूरत पड़ता है क्वेश्चन बनाते समय कि मैग्नेटिक मोमेंट मैंने दिया है विथ यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 bm बोर मैग्नेटोन, मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन आयन इज 3.87 bm, और देन मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जनरली ये स्टूडेंट ऐसे तो देखेंगे, जस्ट ऐसे देखना एक सेकंड में, ऐसे थ्री स्टूडेंट लोग कैसे बनाते हैं, बोलते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट मेरा अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, और यहाँ पे यूनिट होता है bm, और ये पुट करेंगे 3.87 और bm और इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, और बी एम यूनिट दोनों साइड कैंसिल हो गया, और फिर ऐसे सॉल्व करेंगे कि 3.87 है और इधर कर देंगे अंडर रूट एन और एन प्लस टू, और रूट ऐसे कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना, स्क्वायर करना, देन सॉल्व करना, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा,
तभी क्वेश्चन है एक सेकंड का, देखना है एक सेकंड बस, ओनली वन सेकंड क्वेश्चन है। अब स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे, एक रूट एलिमिनेट करेंगे, पॉजिटिव रूट सॉल्व करेंगे, उसमें तो टाइम काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए एक तो एक स्क्वायर क्वालिटी मत करिएगा, दूसरा आप हीट एंड ट्रायल, आप ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रायल क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, एकदम श्योर है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा, एकदम कंफर्म है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा होल नंबर, या तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, टू इलेक्ट्रॉन होगा, थ्री, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं सुने हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन होगा होल नंबर। ठीक, ट्रायल रूल इससे भी छोटा रूल है, मैंने बोला ऐसे देखना है, एक ऐसे गर्दन घुमाना है, ऐसे बोलना है थ्री ऐसे, बट आप समझिए ना पहले ट्रायल रूल है। सबसे पहले अगर एन का वैल्यू मैं वन ले रहा हूं तो उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं वन ले लूं, अगर मैं वन पुट कर दूंगा तो यहां रूट थ्री, रूट थ्री का मतलब होता है 1.73, नहीं है ये तो बहुत ज्यादा है उससे। एन का वैल्यू टू यूज कर रहा हूं, टू, सो रूट एट, रूट एट। अगर रूट नाइन होता, सोचिए कि अगर रूट नाइन होता तो आंसर होता थ्री, रूट नाइन होता तो आंसर होता थ्री, बट रूट एट है तो लेस देन थ्री, थ्री से छोटा, और ये नंबर थ्री से क्या है, बड़ा। नेक्स्ट, एन का वैल्यू थ्री रखूंगा तो थ्री, और यहां फाइव, रूट फिफ्टीन, रूट फिफ्टीन। अब यहां मैं सोच रहा हूं कि अगर अंडर रूट सिक्सटीन होता तो आंसर होता फोर, सोचिए कि रूट 16 होता तो 4 होता, तो रूट 15 है तो 4 से थोड़ा कम, हाँ ये तो सही है, 4 से थोड़ा कम तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। अच्छा एक और ट्राई कर लेते हैं, एन का वैल्यू 4, जब 4 पुट करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पर 4 और 24, रूट 24 हो गया, रूट 24 तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, नियरली 5 के पास आ जाएगा। ठीक है, ये नियरली अब 4.8 के पास आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये एन का वैल्यू थ्री, ये करेक्ट है। देखिए ये इतना भी टाइम नहीं देना है, इतना भी टाइम नहीं। मान लीजिए मैंने आपको ट्रायल सिखाया कि हाँ ट्रायल कर कर करके रिटर्न ट्रायल से क्वाड्रेटिक से बच के ट्रायल आप पे जा सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री है, बट साइंस देखिए इतना छोटा है, इसका आंसर वन सेकेंड है। देखिए जैसे ही आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट मिला 3.87 bm, जैसे ही सामने आया फट से इस मैग्नेटिक मोमेंट के इंटीग्रल पार्ट को पकड़िएगा। इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट, एक इधर इंटीग्रल पार्ट है, इधर क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, वो हमेशा ट्रू है। इसके इंटीग्रल पार्ट को पकड़ना है और एक सेकंड में आंसर बोलना है कि ओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थ्री हो। हमेशा ट्रू है, तो ये है एक सेकंड का मेथड। ऐसे जाइएगा 5 मिनट लग जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, हीट एंड ट्रायल में 1 मिनट लग जाता है हर को ट्रायल करते करते बनाने में, और ये है एक सेकंड का है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आज का थ्योरी यहीं तक था, और मैं पैकेज देखता हूं। बेसिक केमिस्ट्री का 3 लेक्चर मैंने अपलोड किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको होमवर्क देने के लिए। जब आप क्लास आएंगे, लॉकडाउन खुलेगा, प्रोबेबली जुलाई में है, जैसा लग रहा है कि जुलाई में खुलेगा, फिर हम लोग रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास में आके पढ़ना पड़ेगा आपको। सो उस समय आपको बुक मिलेगा, अभी तो मैं अपलोड करते रहता हूँ। इसमें बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया होगा आपको, 65 क्वेश्चन वो फाइनल कर लीजिएगा, वो पूरा हो चुका है मेरा। नेक्स्ट उसके बाद आपका आज का होमवर्क है लेक्चर 2 बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 2, और लेक्चर 2 में है 50 क्वेश्चन
और इसके साथ साथ बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 3 जिसमें है 66 क्वेश्चन. सो बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 2 लेक्चर 3 116 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. सो आज आपका होमवर्क हुआ बेसिक केमिस्ट्री और इसमें लेक्चर 1 तो ये हो गया है आपका, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जिसके अंदर 116 क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है, बट पहले थ्योरी खूब अच्छे से करने के बाद. अब ये क्वेश्चन 116 आपको प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्लास मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारा एम्स का क्वेश्चन, आईटी का क्वेश्चन, एडवांस का, पीएमटी का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अगर लेक्चर 1, 2, 3 करेंगे, मेडिकल में जो जुलाई में पेपर आएगा उसमें 3 क्वेश्चन फिक्स है रहेगा, ठीक है. आप भी जब एग्जाम देंगे, जब आपका टर्म आएगा, जब आप एग्जाम मेडिकल का, इंजीनियरिंग का देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आएगा और आपके उस स्कूल के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं है, बट हम लोग इसके बाद मूल कॉन्सेप्ट होगा वहां से एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है. सो आज के लिए इतना, खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और लेक्चर कंप्लीट करिए. सो कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका जो ग्रुप है, चैट है, उस पर मुझे मैसेज करिएगा कि सर दिक्कत हो रहा है मुझे, ठीक है. तो अभी तो बनाना है, अभी कोशिश करना है, ये इसका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इन दोनों का प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास मैं खूब डिस्कस करूंगा, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको. तो अगर डाउट भी होगा कुछ तो नेक्स्ट क्लास एकदम क्लियर हो जाएगा आपका. सो ओके, नेक्स्ट क्लास पे.